हे गाइस वी आर बैक। सो आज हम ट्राई करने वाले गेनी और इसे आज हम खेलने वाले हैं। और तुम जानते हो यार गेनी कितनी फेमस हॉरर गेम है। तो ओके यार प्ले करते हैं। वैसे मुझे डर लग रहा है बट ठीक है हम खेल लेंगे। वैसे भी गेनी डरावनी है तो क्या। गेट आउट ऑफ द एरिया है ओनली है 5 डेज। तो हमारे पास 5 डेज है। अगर 5 डेज के अंदर नहीं भाग पाए ना तो गेनी वैसे भी हमें खा जाएगी या फिर उस सूली पर चढ़ा देगी आई थिंक। तो आई थिंक सूली पर चढ़ना सही रहेगा यार बिकॉज वो खाएगी तो बहुत दर्द होगा। तो या ओके हमारा बंदा उठ चुका है और अब हम जाने वाले हैं गेट। ओके हम कुछ फाइंड करेंगे यहाँ से भागने के लिए। आई थिंक कुछ हमें टूल्स ढूंढने होते हैं तो इसमें चेक करते हैं पहले। अबे यार ये सेंसिटिविटी कैसे खुल गई। वैसे मुझे यार फिक्स कर लेना चाहिए था। ओके हो गया। ये क्या हुआ है। लीव दिस हाउस। भाई ऑर्डर दे रहे हो क्या तुम लोग। वो आई थिंक ग्रेनी की आवाज़ें नहीं आ रही। ग्रेनी रास्ता क्लियर है भागो यहाँ से। टॉयलेट में चलो पहले। मास्टर की बढ़िया। आई थिंक मास्टर की से सही है यार। मेन गेट हम खोल के यहाँ से निकल लेंगे। वैसे भी वो ग्रेनी आ गई। भाई कितनी फास्ट है वो यार। इसमें डिफ़िकल्टीज़ मुझे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला। वो देखो इसका बैट भाई लाल ही लाल। आई थिंक बहुत मर्डर किए होंगे इसने। सॉरी कत्ल किए होंगे। पता नहीं पुलिस कहाँ पर घूम रही है। उसको पकड़ लेना चाहिए था यहाँ से। बट जा रही है ग्रेनी जा रही है। गाइस हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी मैं पता नहीं कैसे बच गया यहाँ पे। मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। वो नहीं भाई ये फोटो फ्रेम यार क्या यार सब ग्रेनी से मिले हुए हैं भाई। अन्याय है यार। सिट ये फोटो फ्रेम कैसे गिर गया पीछे से। मैं फालतू का मर गया। अरे यार उस फोटो फ्रेम ने मुझे पिटवा दिया वरना वो नहीं गिरता तो ग्रेनी वो सीधा जा रही थी अपनी जगह पे। बट कोई नहीं हमारे पास अभी भी 4 डेज बाकी हैं। तो मैं डे टू में कह रहा हूँ बोल रहा हूँ। मुझे फिर वापस मिल गई। ओके ये बंद है। आई थिंक हमें इसे खोलवाना पड़ेगा। तो छिप जाओ इस जो भी हो बड़ा वाला कबर्ड होगा। सो यहाँ से ग्रेनी आएगी तो हमें दिखेगा। सो बढ़िया है यार यहाँ से मैं देख सकता हूँ। आई थिंक ग्रेनी आ रही है और ये दरवाज़ा उसने खटखटाया खोल दिया। भाई कितनी फास्ट है। आई थिंक मैं नॉर्मल या फिर नॉर्मल में ही खेल रहा हूँ। वैसे भी इसमें कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया तो ओके बढ़िया है। तो ग्रेनी जा रही है अब। चली जा वरना बहुत मार खाएगी। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है मैं क्या मारूंगा उसे। फिर तो मैं रहा हूँ सीधा। वो ग्रेनी जा रही है। क्या हुआ उसको फिर आ रही है। भाई क्या चल रहा है ये। अरे चल के आ रहा है भाई वापस फिर वो आ रही है। ओके आ जा भाई। पता नहीं क्या देख उसको कुछ शक हुआ होगा ना कि वो बंदा बेड के नीचे छिपा है। बट वो पागल है बुढ़िया। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौका का फ़ायदा उठा यहाँ से निकल लो। ओ नहीं यार ये ट्रैप। यार ये ट्रैप से फंसने से अच्छा है। ओ यहाँ पे रास्ता नहीं है। ओके मैं बताना भूल गया क्योंकि एक ओल्ड वर्जन है और मैं से इसलिए फ़न के लिए खेल रहा हूँ। तो ये ग्रेनी का पुराना एकदम पुराना वर्जन है जब ग्रेनी आई थिंक रिलीज हुई थी तब का। तो आई थिंक इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं है। और हमें यहाँ पे ड्रिंक लाइजर और वो कार स्केप और वो हाँ कार स्केप जो भी होता है उसका कोई चक्कर नहीं है। सीधा हमें नॉर्मल स्केप करना होता है डोर से। तो सीधा हम डोर से भागेंगे। ओके और हमें ड्रिंक लाइजर भी नहीं मिलेगा और हम ग्रेनी को भी नहीं मार सकते। तो आई थिंक हमें ग्रेनी को चकमा दे के यहाँ से अपने को स्केप करना है बस। लेकिन ग्रेनी फास्ट है यार इसीलिए उसने डिफ़िकल्टीज़ का ऑप्शन नहीं दिया। भागो यहाँ से। ओल्ड ग्रेनी बहुत ही फास्ट थी और डरावनी भी है। ओ नहीं यार मैं फंस चुका हूँ। निकल तो गया बट मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि मैं आई थिंक मैं बच गया। मैं बहुत मुश्किल से बचाऊँ क्योंकि मैं जहाँ से निकला वहाँ पे ट्रैप था और मैं उसमें ही पैर रख दिया और सीधा फंस गया वहीं पे। बट ग्रेनी बहुत लेट थी भाई वो अपनी स्पीड नहीं मैनेज कर पाई आई थिंक। ओके अब मैं जा सकता हूँ क्योंकि ग्रेनी चली गई होगी। अब चलते हैं और देखते हैं। वैसे मुझे डर लग रहा है अभी भी अगर ग्रेनी वहाँ पर हुई तो और उसने मार दिया तो आई थिंक मैं D3 में चला जाऊँगा। सो एक बार चल के देखते हैं। आई थिंक नहीं है ग्रेनी नहीं है यहाँ पे। चली गई आई थिंक चली गई वो। बट मैं जाऊँ कहाँ मुझे समझ में नहीं है। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ एक बार। ओ भाई साहब ग्रेनी यार सच में बहुत डरावनी है। यहाँ पे चेक करो क्या है। अबे तुम लोग जो भी रखे हो दे दो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हैमर है वहाँ पे। मुझे हैमर भी मिल गया मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। एक मिनट में इस पैडलॉक से वो लॉक को खोल के आता हूँ पहले और अब यहाँ से हम निकल लेंगे। आवाज़ होगी भागो यहाँ से।
हाँ लो भाई, ग्रेनी आएगी वहाँ पे पक्का। मैंने उसका फ़ोटो वोटो सब गिरा दिया, देखा कितना फास्ट नीचे जा तूँ। अबे नहीं भाई, ये सब मिले जुले हैं यार, ये की दरवाजे और ये जितने भी टेबल्स हैं ना, सब मिले जुले हैं ग्रेनी से। मैंने उसे नीचे फेंका, वो पक्का ऊपर ही गिर गया और ग्रेनी मेरे पीछे पड़ गई। आई थिंक नहीं, वो पीछे नहीं है, मैं यहाँ पर छिप रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है यार, मैं मारा जाऊँगा तो फिर मैं नहीं स्केप कर पाऊँगा यहाँ से, तो यहीं पर मैं छिपा रहता हूँ। नीचे जा रही वो ग्रेनी, वो देखो गई वो नीचे। यार नीचे जाना है मुझे, उस डोर के वो प्लैंक्स को हटाना है, तो आई थिंक मुझे मैं यहीं पे आवाज़ करता हूँ या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। चली गई। अबे नहीं, ये क्रैकलिंग साउंड यार, भाई साहब मैंने कहा ना सब मिले जुले हैं यार, मुझे पिटवाने पे तुले हैं सब, भागो यहाँ से। आएगी गिरनी यहीं पे। वो क्रैकलिंग साउंड हुई आई, ओ नो ओ नो, बहुत ज़ोर से मारा गिरनी ने। ओके यार, पता नहीं कैसे यार मैंने इस दरवाजे को बंद करने की कोशिश की बट बंद ही नहीं हुआ। देखा वो ग्रेनी कैसे आ रही है, कितना स्पीड है भाई उसमें। ओके ये भी गिर गया, सही है यार। वो सामने आगे खड़ी हो गई है, पता नहीं उसने देख लिया गया मुझे चिपते हुए। शुक्र मनाओ कि वो ड्रिंक लाइजर नहीं है, वरना मैं इसको मार देता, लेकिन वो मैं ले भी नहीं सकता। ओके आई थिंक वो जा रही है, तो हमें यहाँ पे निकल लो यार यहाँ से। एक मिनट मैं यहीं पे आवाज़ करता हूँ, ग्रेनी आएगी यहाँ से और मैं वहाँ से निकल लूँगा। चल आ जा, नखरे किसको दिखा रही है, चल। ओ नो, वो गेट बंद है, कब वो गेट लॉक होगा। आई थिंक देख लिया गया इसने, नहीं देखा पक्का। अगर उसने देखा होता ना, अब तक मुझे वो स्पाइडर बन के पकड़ ली होती भाई। बहुत डरावना सीन होता है वो, जब वो नीचे झुक के पकड़ती है ना, मतलब एक तो उसे बहुत डर लगता है, सो जाती है वो। वो जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाऊँ। यहाँ पे ग्रेनी है और ये डोर बंद है, यदि मुझे डोर खुलवाना होगा इससे कैसे भी करके, तो मैं नीचे जा सकता हूँ। देखो ये लॉक है डोर, और ये लॉक हो ही जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है बट हो जाता है। सो आई थिंक मैं कहीं नहीं जा सकता यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। कोई मुझे हेल्प लो प्लीज़, वेट करते हैं। सो आई थिंक अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, और मैं यहाँ पे आवाज़ करने वाला हूँ इस जगह पे जहाँ पे ये रेड की है ना। अब यहाँ पे ग्रेनी आगे खड़ी होगी तो मैं यहाँ से निकल लूँगा। आई थिंक ग्रेनी आ गई। ओके बहुत फास्ट है वो, देखा तुमने, ये ग्रेनी बहुत फास्ट है। अबे कहाँ जा रही है, यहाँ पे आना था भाई, प्लान फेल हो रहा है मेरा। आई थिंक मैं मरने वाला हूँ अब, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और मैं यहाँ से स्केप नहीं कर पाऊँगा। अबे ग्रेनी कहाँ गई, नहीं वहाँ आ रही है, नहीं यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं रिक्स लेने वाला हूँ, मरूँगा बट जाऊँगा। वो भाई ग्रेनी देख ली उसने भाई, कैसे भाई, चार आँखें है क्या उसकी, कैसे देख लिया भाई, कितनी मतलब इतना वो नो यार। भाई साहब मैं भाग रहा हूँ अब, ग्रेनी मेरे पीछे पड़ी है, मैं नहीं बचने वाला आज, आज मेरा मौत तय है, मुझे कोई नहीं बचाने वाला आज। मैं गया अब मरने ही वाला हूँ भाई। बैठ क्यों रहा है, उड़ दो इसे, पहले निकलो यहाँ से। वो ग्रेनी पीछे छोड़ दिया मैंने, ग्रेनी को मैंने हरा दिया, और वैसे भी ग्रेनी मेरे पीछे ही है तो मैं नहीं बचने वाला। पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया भाई, मैंने पंगे ले लिया, गलत पंगा ले लिया मैंने ग्रेनी से, वो सेब की मिल गई मुझे। सो आई थिंक मैं अब नीचे आ गया हूँ, तो मैं रिक्स लेके और ये भी पजल सॉल्व कर देता हूँ सीधा। वो भाई मेरा लक मेरे साथ है, और मेरे को कटिंग प्लायर्स भी मिल गया तो बढ़िया है। ग्रेनी आ गई क्या तू यहाँ पे, नहीं वो यहाँ पे नहीं आई है। और मैं ऊपर कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने ऊपर गया ना तो पक्का मार खाऊँगा। मुझे ग्रेनी को कैसे भी करके नीचे बुलाना होगा, और मैं ऊपर निकल लूँगा और मुझे कुछ टाइम मिल जाएंगे और यहाँ से स्केप करने के लिए। यहाँ पे आवाज़ करते हैं। अबे कहाँ गया ये, ये जंप कर रहा है, ये आवाज़ ही नहीं हो रहा, देखा खून ही खून है यहाँ पे। आई थिंक ग्रेनी हमें यहीं पे खाती है। अरे यार ये आवाज़ ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अबे यार आवाज़ कर जा प्लीज़, मैं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं डरता मैं ग्रेनी से, मैं जा रहा हूँ, मैं सीधा ऊपर जाऊँगा, भाग लूँगा वहाँ से। चलते हैं गाइस, चलते हैं, वैसे डर लग रहा है बट ठीक है। कट किया और निकलो यहाँ से, ग्रेनी ऊपर होगी तो। ओ नहीं, ग्रेनी यहीं पे गई भाई, वहाँ पे क्या कर रही है वो,
अबे तू वहाँ पे क्या कर रही थी? मेरा काम हो गया, मैंने सब कट कर दिया और मुझे बस यहाँ से मास्टर की लेके यहाँ से निकल लेना है। देखा सिंपल था, पता नहीं क्यों इतने टाइम लग गए। ओके ग्रेनी मेरे पीछे ही है, मुझे चेस कर रही है भाई साहब। ओके निकलते हैं अब। वो ग्रेनी को मैंने पीछे छोड़ दिया और वैसे भी आई थिंक ग्रेनी यहीं पे आएगी क्योंकि मैंने उसका वो हैंगर गिरा दिया था। तो अब मेरे पास मौका ही मौका है यहाँ से भागने के। अब निकल लो, बस वो डोर खोलना है। वो ग्रेनी मेरे पीछे ये भाई, तू नहीं पकड़ पाएगी मुझे। बाय ग्रेनी। सो गाइस भाग गए हम। वो ग्रेनी देख रही है मुझे, आजा पकड़ ले, आजा दम में तो पकड़ के दिखा। वैसे भी क्या पकड़ पाएगी वो, मैं भाग गया जंगलों में। सो आई थिंक मेरी लास्ट में फट चुकी थी, वैसे भी बहुत डरावना डर गया था मैं लास्ट में। मुझे लगा था कि मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगा बट हो गया। तो गाइस आई होप तुमने इन्जॉय किया होगा वो भी यार बस। और ये ग्रेनी का ओल्ड वर्जन था इसलिए मैंने फ़न के लिए खेला। तो आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।